Hey guys, welcome to Max Boy Vlogs. Good morning. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे. मैं भी अच्छा हूँ. और एक्चुअली आज क्या है कि मेरे को कोई गाड़ी का कस्टमर आया अपनी गाड़ी का, तो वो सेल करनी है मेरे को, तो इसलिए मैं कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ. थोड़ा भी क्या मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए वीडियो में टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. तो थोड़ा सा शेड्यूल एकदम मेंटेन होने के बाद मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगा. थोड़ा सा टाइम चाहिए बस. तो गाइस, ये कुचामन की जो सड़कें दिख रही है आपको, इतनी घटिया और इतनी बेबाक, बहुत बुरी. तो ये इसलिए नहीं है कि है ना तोड़ फोड़ दी, कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे. एक्चुअली क्या है कि काम हो रहा है एलएनटी का, जो सीवरेज लाइन अंडरग्राउंड लाइन जो है वो डल रही है, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है. बट सच में पब्लिक परेशान भी है. इनका एक काम करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जगह जगह से खड्डे खोद दिए, जगह जगह हर एक मेन जो चौराहे की चार लाइनें होती है सड़कों की, उन चारों को ऐसे मतलब उथल पुथल करके रख दिया है कि आने जाने पब्लिक को परेशानी हो रही है. बैटरी एकदम नई है, नई डलवाई अभी दस दिन पहले. अब बाहर से तो गाड़ी ऐसी दिखती है भैया, देखो धूल मिट्टी काट ये तो आता ही है. भाई कोई दिक्कत नहीं है वैसे गाड़ी में आपके सामने. जो गाड़ी मैं सेल करने आया था वो गाड़ी हमने सेल कर दी है. मेरे पापा भी आ गए, ये रहे ब्लू टी शर्ट वाले. तो हमने गाड़ी सेल कर दी है. और सो अब मैं और पापा बाइक से घर जा रहे हैं. मैं आया तब गाड़ी लेके आया था और ये सेल हो गई, डील कंप्लीट हो गई और डन हो गई डील. तो गाड़ी हमने दे दी इनको और अभी मैं और पापा बाइक से घर जाएंगे. मैं आया तब कार से आया था, अब जा रहा हूँ तो बाइक से जा रहा हूँ. मेरी गाड़ी. किस लिए आए हो आप यहाँ पे? काम करते हो क्या? मेरी कुर्ती सिलाने आए हो? मशीनरी का काम करते हो, स्टिचिंग का? कुर्ती सिलाने आए हो अपनी? क्या बात कर रहे हो, कुर्ती पहनते हो? ये इसकी दिसंबर 11 को शादी है और ये कुर्ता पायजामा दिला रहा है हमें, वैसे सिलाई करके दिलवा रहा है ये. और नीचे जूती का मैंने बोला है, जूती दिलानी है भाई? जूती नीचे ठीक है, फिर ठीक. नहीं तो तेरी शादी में नहीं आऊंगा अगर कुर्ती जूती पायजामा कुछ भी नहीं सिलाया तो. ठीक है ना? हाँ ठीक है. और तू क्या कुर्ती सिला रहा है? औरतों वाली कुर्ती सिला रहा हूँ. ठीक है. और नीचे सैंडल? नहीं, नीचे वो फूलों वाली चप्पलें. तो ये दुकान का नाम क्या है? हैप्पी कलेक्शन. हैप्पी कलेक्शन से सिलवा रहा है. ठीक है. कितने दिन में दे दोगे भैया? चाइनीज कूलर नहीं, कितने दिन में आ जाएगी भैया? ये बोल ही नहीं रहे भैया. कितने दिन में आ जाएगी? 5-7 दिन में दे दोगे? ठीक है. हैप्पी कलेक्शन. ओके. मैं देखो मेरी एमना, हमें भी पान खिला दो भाई. है पान खिला रहे हो क्या? ये खिला रहे हो क्या पान? आपको नहीं, नहीं खिलाएगा पक्का? एड दे दूंगा, एड ब्लॉगर को तो पान फ्री में खिलाते हैं एड देने पे. हम नहीं खिलाएंगे आपको. पान खिला दो फिर हम घर जाते हैं यार. हे गाइस, तो अभी मुझे एक गिफ्ट आया है. मेरे जानकार है कोई अंकल, उनके थ्रू मुझे एक गिफ्ट आया है. तो वो गिफ्ट अभी मैंने तक खोला नहीं है, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया मुझे, और गिफ्ट देखने के बाद आपको बताऊंगा. सो गाइज, मुझे ये मिले हैं, भगवान का गिफ्ट मिला है मुझे, जो बुद्ध भगवान होते हैं उनका फेस, ये चेहरा, ये मुझे गिफ्ट मिला है. और ये गिफ्ट मुझे मिला है कुचामन वैली की तरफ से, जो दिनेश जी माथुर है उनकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है. सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच. और मुझे ये गिफ्ट इसलिए मिला है कि मैं एक रिपोर्टर था पहले, और उनके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कि कोई फंक्शन था कुचामन वैली में, बट मैं जा नहीं पाया. तो सो सॉरी दिनेश जी, बट आपने गिफ्ट दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा. और एक बार मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और मिलके बात करते हैं. थैंक यू सो मच.